तो वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे एक स्पेशल हेलमेट के बारे में, और इस हेलमेट की जो कीमत है वो है 2 करोड़ 80 लाख रुपए। तो काफ़ी महंगा हेलमेट है, दुनिया का सबसे महंगा हेलमेट है। और इस हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं F-35 फाइटर प्लेन के पायलट। अब इसमें ऐसा क्या है कि जो इस हेलमेट की कीमत जो है इतनी ज़्यादा हो गई है? तो ज़रा इसके कुछ फीचर्स की बात करें। तो F-35 जो है ऐसा प्लेन है जिसमें जो है 6 कैमरे लगे रहते हैं कई अलग अलग जगह पे, और ये जो कैमरे हैं इन सारे कैमरों की जो फीड है वो पायलट को जो है सीधी मिलती है इस हेलमेट में। तो एक प्लेन से जो है एक पायलट जो है सीधे सामने ही देख सकता है, साइड ही देख सकता है, लेकिन इस हेलमेट के कारण जो है वो पूरे 6 एंगल से जो है वो एक ही जगह जो है वो देख सकता है। तो ऊपर भी क्या चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, सब कुछ वो देख सकता है। और उसको देखने के लिए जो है सिर्फ पायलट को अपना सिर जो है उसी डायरेक्शन में टिल्ट करना है। तो पायलट अपना सिर नीचे झुकाएगा तो नीचे वाले कैमरे की फीड जो है उसके पास आने लगेगी। साथ में जो है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है टारगेट के बारे में सामने आती रहती है कि कौन सा टारगेट हिट करना है, कितनी दूरी पर है, अभी हम कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, सारी चीज़ जो है आती रहती हैं। और साथ में जो है ये पायलट की लोकेशन को भी सेंस करता रहता है। तो इसमें जो चेयर होती है, जो सीट जो इस्तेमाल होती है प्लेन में, उसका यूज़ करते हुए जो है ये हेलमेट जो है वो सेंस करता रहता है, और उस हिसाब से जो है नई इन्फॉर्मेशन जो है पायलट के सामने रखता रहता है। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे टेक्टिकल डेटा फीचर्स भी हैं। अब इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि कई बार पायलट जो है कई और जगह उसका ध्यान भटक जाता है, कई बार साथ में फॉर्मेशन में चल रहे होते हैं तो हो सकता है कि टारगेट से भटक जाए, लेकिन टारगेट की जिसकी पहले से फीडिंग कर दी जाती है कंप्यूटर में, वो जो है वो कंप्यूटर एंश्योर करता है कि पायलट का ध्यान वहाँ से ना भटके, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है पायलट के सामने हेलमेट में ही जो है आती रहती है। तो इस हेलमेट में जो है फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जो है कैमरेज जो होते हैं उनकी फीड जो है लगी रहती है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो है जो रात में खास तौर पे करना है तो उसके लिए भी सामने इंफॉर्मेशन आती रहती है। नाइट विजन के भी बहुत ज़बरदस्त फीचर इसमें दिए हुए हैं। इसमें एक्सरे विजन दिया हुआ है, यानी कि एक्सरे जैसी इमेज जो है पायलट को रात में जो है टारगेट्स की अपनी मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि पायलट को जो है इसके लिए कोई अलग से गॉगल या नाइट विजन डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यूजुअली जिन प्लेन्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसे एडवांस हेलमेट नहीं होते, वहाँ पर पायलट को जो है अलग से जो है नाइट विजन गॉगल्स वगैरह जो है लगाने पड़ते हैं चलती फ्लाइट में, जो उसकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसमें एक और फीचर है पिक्चर ऑन पिक्चर फीचर, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, कहीं और नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो हेलमेट है वो दूसरी जगह से भी जो है लाइव फीड दिखा सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे फ्रेंडली कोई जो है एवैक्स भी साथ में कहीं उड़ रहा है, तो वो एवैक्स जो है क्या देख रहा है, उसके कैमरे क्या देख रहे हैं, वो रियल टाइम में जो है उस वीडियो फीड को जो है इस हेलमेट के थ्रू जो है पायलट के साथ शेयर भी कर सकता है। कोई यूएवी हो, एवेक्स हो या दूसरे प्लेन का हो, तो वो सारी जो है शेयरिंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी जो है एक ज़बरदस्त फीचर जो है इसमें हो जाता है। साथ में जो है इसमें नॉइस रिडक्शन जो है काफ़ी काम किया गया है। तो जब प्लेन जो है बहुत नॉइजी मशीन होती है, बहुत ज़ोर से उसमें आवाज़ आती है, तो वो भी कई बार कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। तो उसके लिए जो है बहुत बढ़िया इसमें नॉइस रिडक्शन है ताकि पायलट जो है फोकस करता रहे। इसमें स्पेटियल ऑडियो टेक्नोलॉजी का भी जो है इस्तेमाल किया गया है, जो कि सिचुएशन अवेयरनेस को जो है और बेहतर कर देता है। तो यहाँ पे इस तरह का जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, जैसे कि लेफ्ट की तरफ से कोई टारगेट आ रहा है, कोई दुश्मन का प्लेन आ रहा है, तो जो है वो पायलट के लेफ्ट वाले कान में ही जो है वो ऑडियो जो है आता है। तो इससे जो है अलर्टनेस जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है पायलट की। साथ में जो है इसको बहुत ही हार्ड जो है मजबूत बनाया गया है ताकि अगर कोई गन फायरिंग चल रही हो या जब भी विद इन विजुअल रेंज वाली फाइट चल रही हो, तो अगर कोई हिट भी हो कोई गोली वगैरह, तो पायलट जो है सेफ रहे। और काफ़ी मजबूत बनाया गया है ताकि इमरजेंसी इजेक्शन होता है तो उसके बाद अगर पायलट अगर ग्राउंड पे भी गिरता है तो वो काफ़ी सेफ रहे, वो सारी चीज़ें। अब इसको बनाया भी बड़े स्पेशल तरीके से जाता है, ये हर पायलट के लिए अलग बनता है। ऐसा नहीं है कि एक हेलमेट बन गया जिसको सारे पायलट यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं होता है।
तो हर पायलट के लिए जो है ये कस्टम बिल्ड किया जाता है। तो इसको बनाते समय जो है जिसको भी प्लेन उड़ाना है, जो पायलट सेलेक्ट किए जाते हैं F-35 के लिए, उनका जो है एक 3D स्कैन बनाया जाता है और उस स्कैन से एक डेटा निकाला जाता है। वो डेटा जो है कंप्यूटर्स को फीड किया जाता है, फिर वो कंप्यूटराइज मशीन्स जो हैं वो इस हेलमेट के लिए फोम और प्लास्टिक या जिसकी भी ज़रूरत होती है उन सारी की कटिंग वो करती है। साथ में जो है पायलट की आँखों को भी जो है बड़ा अच्छे तरीके से स्कैन किया जाता है प्यूपिलोमीटर से, और इसके बाद जो है इस तरीके से उसको स्कैन किया जाता है कि पायलट की आँख से जस्ट 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर ही, यानी जो आँखों का जो सबसे आउटर प्यूपिल होता है उसके जस्ट 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के पास ही जो है पायलट को जो है वो फीड मिले, जो वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल पास में मिले, ताकि पायलट की आंखों पर वो जो है कोई भी स्ट्रेस ना आए। क्योंकि प्लेन जब चलता है बहुत हाई स्पीड पे चलता है, बहुत हाई लेवल तक जाता है, तो उससे जो है क्योंकि बहुत ऊंचाई तक जाता है तो प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज के कारण ब्रेन पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो पायलट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी आंखों पे कोई स्ट्रेस ना हो, इस तरीके से जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो हर पायलट के सर के हिसाब से, उसकी आंखों के हिसाब से जो है ये कस्टमाइज करके बनाया जाता है, तो इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त हेलमेट इसीलिए जो है इतना महंगा है, 2 करोड़ 80 लाख का। इस हेलमेट के बारे में आपके विचार कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।